Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Armash and I am your physics teacher. तो बेटा सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका कोर्स रिमाइंड करवा दूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है आपकी फिजिक्स दो हिस्सों में स्प्लिट हुई है और आपने क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 टिल 10 पढ़े थे. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर 19 हैं अब तक की कोर्स अपडेट के हिसाब से, और उसमें से आप लोगों ने 10 चैप्टर्स आप लोग कवर कर चुके हैं क्लास 9 के अंदर अपने, और अब आप जो रिमेनिंग चैप्टर बचते हैं उनको कवर करें. तो उन्हीं चैप्टर में जो आप लोगों का पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, जिसको हम चैप्टर नंबर 12 भी कहते हैं क्योंकि वो पहले की बुक के हिसाब से 12 ऑर्डर पर था. तो वो चैप्टर है आपका वेव्स एंड साउंड. तो चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट था वहां तक आपने कवर कर लिया. तो अब आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका वेव्स एंड साउंड. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी पेपर कवर होता है इस चैप्टर से. और इस चैप्टर के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, वेव्स एंड इट्स टाइप्स, लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर्स. तो ये आपके जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर इन मेजर टॉपिक्स के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं, जस्ट लाइक डेफिनेशंस हैं, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं और कुछ छोटी डेरिवेशंस हैं. तो वो इन्हीं मेजर टॉपिक्स का सब टॉपिक्स. तो अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं और वो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका पहला चैप्टर है, सॉरी पहला टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर 1, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशन का नो हाउ होना चाहिए. ठीक है, कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक डेफिनेशन देखें, फिर हम उसके बाद जो है वो अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जो यूज होगी इस चैप्टर के अंदर वो है वाइब्रेशन. क्या वाइब्रेशन होती क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. देखिए बेटा, किसी भी बॉडी की एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होती है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हो, तो वो आपकी कहलाती है वाइब्रेशन. इफ अ बॉडी इन पीरियोडिक मोशन मूव्स टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन. वाइब्रेशन को हम दूसरे वर्ड्स में ऑस्किलेशन भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये दो पाथ है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी. एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है और मूव करने के बाद वो वापस अपने उसी पॉइंट पर आ रही है, यानी पॉइंट ए टू बी मूव कर रही है और उसके बाद बी टू ए वापस आ रही है. तो ये उसकी एक वाइब्रेशन कर रही है. ठीक है, ये उसकी पूरी जो एक ट्रिप होगी पॉइंट ए से बी की तरफ जाना और फिर वापस बी पर, बी से ए की तरफ आना, वो उसकी वन वाइब्रेशन कहलाती है. तो ये चीज आपकी वाइब्रेशन कहलाती है. उसके बाद आपके पास आता है टाइम पीरियड, जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी. और टाइम पीरियड क्या है? कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में एक बॉडी को कितना टाइम लगता है, तो वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है. अब हर बॉडी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रही है और बी से वापस ए पर आ रही है, और इसने ये कर दिया अपनी मूवमेंट जो है वो 2 सेकंड में कवर करी है, तो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा 2 सेकंड. और दूसरी बॉडी ने यही मूवमेंट 5 सेकंड में कवर करी है, तो हम उसका टाइम पीरियड क्या बोलेंगे? 5 सेकंड. तो हर बॉडी का अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, और किसी किसी का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है, अर्थ की मूवमेंट भी हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो 365 डेज के बाद वापस उसी पॉइंट पर होती है जहां वो पहले थी, यानी पूरे एक साल के बाद. तो अब उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? 365 डेज. तो हर ऑब्जेक्ट का अपने हिसाब से एक अलग अलग टाइम पीरियड होता है. उसके बाद डेफिनेशन नंबर 3 आपकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है? It is a number of vibration executed by an oscillating body
इन वन सेकेंड इट्स यूनिट इज हर्ट्स। देखिए बेटा एक बॉडी कितनी वाइब्रेशन जनरेट कर रही है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये किसी भी बॉडी की नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कितनी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हर बॉडी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास घरों में करंट सप्लाई होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उस करंट की फ्रीक्वेंसी जो पाकिस्तान में है वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो करंट एक सेकंड में 50 टाइम वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो होती है 1 से लेकर 1.5 तक, क्योंकि एक नॉर्मल जो हेल्दी हार्ट होता है वो पर मिनट में 60 to 90 times धड़कता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है 60 to 90 और समटाइम 100 टाइम जो है वो वाइब्रेट करता है। तो अगर हम उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 1 से 1.5 हर्ट्ज। तो हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है अलग। अब उसके बाद आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का लिंक जो होता है वो आपके वेव से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेव्स है, ये वेव्स ट्रेवल कर रही है। अब देखें बेटा इस वेव्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। फॉर एग्जांपल इफ द इट इज द डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखें किसी भी वेव के अंदर का डिस्टेंस जो होता है किसी भी पॉइंट से वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है वेव की कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुंची, राइज हुई और फिर वो फॉल, फिर उसने राइज किया फिर उसने फॉल किया, ठीक है। तो ये दोनों उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी, बाद में उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, क्योंकि पहले उसका राइज ज्यादा था बाद में उसका राइज कम हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है कि एक वेव जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा अपनी पीक पर होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। किसी भी वेव के अंदर सबसे ज्यादा राइज जिस पॉइंट के ऊपर आ रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड है। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेव है, ये इसके मल्टीपल राइज एंड फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा राइज जो है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है जहां पर वेव अपनी पीक पर है, तो वो उसकी क्या चीज कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और बाकी जितने भी उसके राइज एंड फॉल्स होंगे वो उसके डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे, और जो उसका सबसे हाईएस्ट राइज एंड फॉल होगा वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के अंदर और एम्पलीट्यूड के अंदर, कि एम्पलीट्यूड किसी भी वेव में उसका हाईएस्ट राइज होता है जहां पर वो वेव सबसे ज्यादा अपनी पीक पर होती है। तो बेटा यहाँ पर एक वेव डायग्राम है, जैसे ये इसके एम्पलीट्यूड है क्योंकि इसमें तमाम ही इक्वल है तो ये आपके एम्पलीट्यूड कहलाएंगे, क्योंकि तमाम जो राइजेस हैं इस वेव के वो इक्वल राइजेस हैं तो सारे फिर एम्पलीट्यूड में काउंट। वेव के एक राइज से लेकर दूसरे राइज तक का जो फासला होता है वो उसका वेवलेंथ कहलाता है। ये बेसिकली वेव का डिस्टेंस होता है, जिस तरह हम लोग अपने डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर वगैरह से मेजरमेंट करते हैं ना, तो इसी तरह जो है वो वेव का जो डिस्टेंस होता है वो हम वेवलेंथ से मेजर करते हैं। वहां पर उसके लिए हम वेव का जो फासला होता है दो वेव्स के दरमियान का फासला, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस का वर्ड यूज नहीं करते ना डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करते हैं, वहां पर हम लोग वेवलेंथ का वर्ड यूज करेंगे जिसका साइन ये लैम्डा होता है। अच्छा इसी तरह एक राइज से लेकर एक फॉल तक वेव का, फॉर एग्जांपल ये इसका राइज था ये फॉल हुआ, तो एक पूरे राइज एंड फॉल में उसको जितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड कह रहा है, जिसकी डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ जाते हैं और वो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेशन और बैक एंड फोर्थ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखें बेटा किसी भी बॉडी के अंदर जो बैक एंड फोर्थ या वाइब्रेटरी मोशन होता है, यानी राइज होना फॉल होना फिर राइज होना फिर फॉल, जो मैंने आपको वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन बताई थी
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और फिर वापस पहले वाले पॉइंट पर आना उसी डायरेक्शन पर उसी पाथ के ऊपर। तो ये जो मल्टीपल राइज एंड फॉल होता है वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें एक्सेलरेशन जो होती है बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी के उस वेव का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उसी हिसाब से। डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हम उसको दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी वाइब्रेट कर ले वो जो रुकता है वो उसी पॉइंट पर रुकता है जहां से उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया था, यानी कि अपने सेंटर की तरफ से। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि पेंडुलम क्लॉक है, जो आपकी एंशियंट क्लॉक्स होती है ना, जिसमें एक डायल होता है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है हर एक आवर पूरा होने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला फर्स्ट आवर हुआ 1 बज रहा है, तो वो एक बार जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और उसके बाद वापस सेंटर में आके रुक जाएगा। इसी तरह अगर 10 बज रहे हैं तो 10 मरतबा वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और वापस सेंटर में आके रुक जाएगा। तो वो जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उसमें जो उनका पेंडुलम होता है वो एट दी एंड हमेशा सेंटर में ही रुकता है, क्योंकि वो कौन सा मोशन है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा बिल्कुल अपने सेंटर में यानी कि अपनी मेन पोजिशन पर ही रुके। तो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कंडीशंस होनी चाहिए वो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले द बॉडी मस्ट एक्ट अपॉन बाय सम रिस्टोरिंग। सबसे पहले जिस बॉडी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसमें कम से कम रिस्टोरिंग फोर्स, कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स जरूर है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपने आप को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ला सके। फॉर एग्जाम्पल आप एक रबर बैंड है, आप एक रबर बैंड को खींच कर स्ट्रेच करते हो और स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ देते हो, तो वो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। वो क्यों शेप में वापस आती है, क्योंकि वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, उसके अंदर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लेकर आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी पेपर को खींचो तो वो खींचने के बाद फट जाएगा लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया हो। इनर्शिया का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। सिस्टम इलास्टिक हो, क्योंकि अगर वो इलास्टिक नहीं होगा यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी स्ट्रेस होने की, तो वो फट जाएगा या टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का स्केल है, अगर आप उसको जो है वो स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे या उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है लेकिन मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। एक रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और उसको छोड़ो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि वो इलास्टिक में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑब्जेक्ट का इलास्टिक होना जरूरी है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट का हुक्स लॉ को फॉलो करना जरूरी है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए स्ट्रेस हो सके। ठीक है, हुक्स लॉ आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सिक्स, द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टू मेन पोजीशन। और सिक्स में वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन की थी कि एक्सेलरेशन जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट एट द एंड अपने सेंटर पोजीशन में आके रुकेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, और वो है सॉरी डेरिवेशन आती है, डेफिनेशन तो हो गई आपकी। अब ये डेरिवेशन आती है कि प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट अटैच टू अ हॉरिजेंटल स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मौजूद होगा। इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक बॉल है जो कि एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये उस बॉल की मेन पोजीशन है। ठीक है, जहां पर वो बॉल अभी स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि रुकी हुई है।
आपने उस बॉल को पुल किया, अपनी तरफ खींचा और उसको खींचकर इस पॉइंट पर लेकर आए जो कि पॉइंट ए है, ठीक है। आपने उस बॉल को खींचा और खींचकर इसको पॉइंट ए पर लेकर आए और उसके बाद आपने उसको रिलीज कर दिया। अब जब आपने उस बॉल को रिलीज किया तो रिलीज करने की वजह से वो वापस अपने सेंटर पॉइंट पे नहीं रुकेगी बल्कि अपने सेंटर पॉइंट से भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि उस बॉल के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है और स्प्रिंग के अंदर होती है रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब आपने उस बॉल को पॉइंट ए की तरफ खींचा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब आपने जब उसको रिलीज किया, बॉल को यहाँ पे लाके छोड़ा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स हरकत में आएगी, एक्ट करेगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने के बाद उस बॉल में प्रेशर जनरेट होगा और वो बॉल अपनी मीन पोजीशन के बजाय अब अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा से पीछे होगी, फिर आगे होगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर वो बिल्कुल सेंटर में आके अगेन रुक जाएगी जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये पूरा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कि इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जो आपने बॉल को अपनी तरफ खींचा है ना, तो उस बॉल ने जितनी जितना फासला कवर किया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो चीज जो है वो एक्स है। तो जितना आपने खींचोगे जाहिर सी बात है वो उतना ही फासला कवर करेगी, जितना उसको अपनी तरफ खींचोगे वो उतना पीछे होती रहेगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं के, इज इक्वल टू आएगा। और ये क्योंकि आप लोग ये अपने प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, क्लास 9 के कुछ डेरिवेशंस के अंदर, कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसकी जगह इज इक्वल टू आता है और कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आपका आएगा के, और के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये बॉल एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो इसका अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का। फोर्स को हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया और इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया। नेगेटिव साइन लगाने का रीजन क्या है? कि बॉल को हम अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ जो है वो बॉल को पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर एफ की जगह आ गया आपका माइनस साइन, माइनस को हमने ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दिया तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अब आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, उसमें आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो था एफ बराबर होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम। अब आपने एफ की जगह पर कौन सी वैल्यू रख दी? एम ए की वैल्यू, यानी इस एफ पर आपने एम ए को यहाँ पर पुट कर दिया, एम एज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अब उसके बाद एम एज इक्वल टू जब के एक्स हुआ तो एम, क्योंकि यहां पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, आपने इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ऑपोजिट साइड पर जब आपने शिफ्ट किया तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो ऑपोजिट साइड पर जाकर क्या हो गई? डिवाइड। तो यह आ गया ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम x, ये हो गया is equal to minus k upon mx। अब k upon m ये दोनों जो हैं एक constant values, ठीक है, k भी और m भी। k जो है वो आपका spring constant है जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, और m जो है वो आपका force constant कहलाएगा। तो बेटा यहाँ पर k upon m क्योंकि दोनों ही constant values हैं तो इसकी जगह हमने क्या put कर दिया? कांस्टेंट का वर्ड लगा, ठीक है। तो यहां पर हमने दोनों को रिप्लेस किससे कर दिया? कांस्टेंट से, इज अ कांस्टेंट एक्स। अब जिस तरह का रूल होता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसकी जगह पर कांस्टेंट आता है, तो अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि जब हमने यहाँ से इस कांस्टेंट को रिमूव करवाया तो उसकी जगह रिवर्स में वापस क्या आ गई? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इज इक्वल टू रिमूव होगा, कॉन्स्टेंट रिमूव होगा, ठीक है, और उसकी जगह पर आपका साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स,
हमने जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसी में जो है वो लिखा हुआ था, जैसे कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसमें ये फार्मूला लाजमी होगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमने इसी फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। तो द अबव इक्वेशन और रिलेशन प्रूव दैट द मोशन ऑफ द बॉल अटैच टू अ हॉरिजेंटल स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको रिव्यू जरूर करिएगा, और डेरिवेशन समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको एक दफा खुद से लिखें। तो आप जब खुद से लिखेंगे तो आपको और ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम सिंपल पेंडुलम और वेव्स और उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।